सलमान खान के घर फायरिंग के केस में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। सलमान खान के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज से एजेंसियों को दोनों बदमाशों की जानकारी मिली है। फायरिंग के बाद दोनों बदमाश बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंचे। बांद्रा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सुबह 5:08 की बोरीवली जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़ी। 5:13 पर वो सांताक्रूज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतरे। सांताक्रूज स्टेशन से दोनों आरोपी पूर्व में वकोला की तरफ बाहर निकले। यहां से दोनों ने ऑटो पकड़ा। पुलिस को दोनों आरोपियों के सांताक्रूज स्टेशन और स्टेशन से बाहर निकलते और ऑटो पकड़ने का भी सीसीटीवी फुटेज मिला है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक फायरिंग करने वाला एक संदिग्ध शूटर विशाल उर्फ कालू है, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है। लॉ एंड ऑर्डर के अधिकारी यांच्याशी स्वतः बोललो, सलमान खानच्या सुरक्षेची काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या आणि मी स्वतः सलमान खानशी देखील बोललो, त्यांनाही दिलासा दिलेला आहे। कुठल्याही प्रकारे कायदा हातात घेणाऱ्याला पाठीशी घातलं जाणार नाही, त्याच्यावर कडक कठोर कारवाई होईल। ज्यांनी केलंय त्याला आमचे पोलीस तात्काळ पकडतील।